हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंडली ट्यूटर घनश्याम। सबसे पहले मैं उन लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें लाइक और शेयर कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका यही सपोर्ट मुझे नए नए वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। आपका ये सपोर्ट मेरे साथ हमेशा बना रहेगा, इसकी मैं आशा करता हूँ। अब तक हम सॉलिड स्टेट का एक पूरा टॉपिक देख चुके हैं, जिसको आसान बनाने के लिए हमने उसे 6 पार्ट में डिवाइड किया था। जिन्होंने भी ये वीडियोस नहीं देखे वो एक बार जरूर देखें। आज हम सॉल्यूशन या टॉपिक देखने वाले हैं। उसके पहले जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक सॉल्यूशन। दोस्तों, सॉल्यूशन की स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ते हैं वो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन होती हैं। दूसरी बात, हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है वो भी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन होता है। प्लांट्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो भी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन होता है। इसलिए सॉल्यूशन की स्टडी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन मतलब क्या। सॉल्यूशन यानी एक होमोजेनियस मिक्सचर, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। उसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग प्योर सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन मे बी अल्टर्ड विद इन अ सर्टन लिमिट। सॉल्यूशन ये ऐसा मिक्सचर है जिसमें नॉन रिएक्टिंग जो कंपोनेंट है उसको मिक्स किया जाता है। उनकी लिमिट जो है, उनका जो क्वांटिटी है वो वैरी कर सकता है, बट उसको मिक्सिंग किया जाता है और वो नॉन रिएक्टिंग होते हैं। ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस होता है, यानी होमोजीनियस यानी आपको पता है एक फेज होगा, ठीक है। अब उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट यानी क्या? तो सॉल्यूट यानी जिसका प्रोपोर्शन स्मॉल होता है, जो स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जो लार्ज प्रोपोर्शन में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं उसके ऊपर भी इसके टाइप्स पड़ते हैं। कैसे? अगर दो कंपोनेंट है तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, तीन कंपोनेंट है तो टर्नरी, फोर कंपोनेंट है तो क्वाटरनरी, ठीक है। टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल की साइज कितनी है इसके ऊपर भी उसके टाइप्स पड़ते हैं। उसका पहला टाइप है कोरस सॉल्यूशन, दूसरा है कोलाइडल और तीसरा है ट्रू सॉल्यूशन। हमारा सबसे ज़्यादा काम पड़ेगा ट्रू सॉल्यूशन से। अब कोरस सॉल्यूशन यानी क्या? तो जिसकी पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा होती है, पार्टिकल साइज लार्ज होती है। उसका पार्टिकल साइज कितना है? 10^-4। अब पार्टिकल साइज ज़्यादा होने की वजह से वो सेटल डाउन जल्दी होता है, जल्दी सेटल डाउन होगा, क्योंकि साइज ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर उसका वेट ज़्यादा है तो जल्दी वो सेटल डाउन हो जाएगा। वो हेट्रोजीनियस होता है, उसके फेजेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन किसे कहेंगे? इससे थोड़ा सा पार्टिकल साइज इसका छोटा होता है। अब कितना होता है? 10^-4 to 10^-7, इतना उसका पार्टिकल साइज होता है। ये भी हेट्रोजीनियस इन मीडियम होता है, हेट्रोजीनियस होने की वजह से ये भी सेटल डाउन जल्दी होगा। कभी कभी इसको कोलाइडल सॉल्यूशन सेपरेट करने के लिए हमको सेंट्रीफ्यूज की वगैरह ज़रूरत पड़ती है, बट फिर भी ये जो है सेपरेट जल्दी होगा। ये कैरी करता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। एक तो पॉजिटिव चार्ज करेंगे या फिर नेगेटिव चार्ज, किस लिए? स्टेबलाइजेशन के लिए। स्टेबलाइज होने के लिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। और ट्रू सॉल्यूशन किसे कहेंगे? जिसका पार्टिकल साइज 10^-8 होता है। कई कई किताबों में 10^-7 भी दिया है, तो वो दोनों भी सही है। अब ये पार्टिकल साइज कम होने की वजह से ये जो है इजीली सेपरेबल नहीं है, जल्दी सेपरेट नहीं होता है, और वो होमोजीनियस इन मीडियम होता है। होमोजीनियस यानी पूरी टोटली मिक्स हो जाता है, एक ही फेज रहता है, इसीलिए इसको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये हो गए हमारे तीन टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। आगे देखते हैं, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन सॉल्युबिलिटी। अब उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है इसके ऊपर से भी सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स पड़ते हैं। वो कौन से हैं? एक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हमने अगर कोई भी टेम्परेचर कंसिडर किया तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व होना चाहिए, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है, सॉलिड और लिक्विड जो है वो दोनों भी इक्विलिब्रियम में होते हैं। कैसे? अब ये जो है जब
मिक्स होता है लिक्विड में तो उसको हम कहेंगे डिसोल्यूशन, और जब ये रिक्रिस्टलाइज होता है तो उसको हम कहेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन। ये जो लिक्विड फेज में है उसको जब हम नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे तो ये रिक्रिस्टलाइज हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे रिक्रिस्टलाइज होते जाएंगा, तो ये जो डिजॉल्व वाला सॉल्यूट रहेगा वो फिर से सॉलिड वाले सॉल्यूट में कन्वर्ट होगा, और अगर सॉलिड वाला सॉल्यूट हमने डिजॉल्व किया तो वो लिक्विड यानी कि डिजॉल्व सॉल्यूट में कन्वर्ट होगा। अब दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी क्या, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, ज़्यादा से ज़्यादा जितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हमको दिया है उस टेम्परेचर में जितना सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। इसमें क्या है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और इसमें क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। सुपर कूल्ड सॉल्यूट या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन इट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर दिया है उसमें जितना डिजॉल्व होता है उससे ज़्यादा डिजॉल्व करना, उसको हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको समझने के लिए छोटा सा हम एग्जांपल देख सकते हैं, अगर हम हॉस्पिटल में गए वहाँ पे अगर एक आधा बेंच है उसकी कैपेसिटी है 3 लोग बैठने की, तो 3 ही लोग बैठे, सैचुरेटेड हो गया, 3 जगह थी 3 लोग बैठ गए तो वो हो गया हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर 3 लोग बैठने की जगह है 2 ही लोग बैठ गए तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, पूरा सैचुरेशन होने का है, पूरी जगह ऑक्यूपाई होने की है। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी 3 लोग बैठने की कैपेसिटी है और हम बैठ रहे हैं उसके ऊपर 4 लोग, अगर 4 लोग बैठते हैं तो वो हो गया हमारा सुपर सैचुरेटेड, ये फिर जैसे ही कोई उठ के चला गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सैचुरेटेड में। अगर 3 लोग बैठने की कैपेसिटी है 3 ही बैठ गए तो वो हो गया हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और 3 लोग बैठने की कैपेसिटी है और 2 ही बैठ गए तो वो हो गया हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड कितने हमारे टाइप्स हैं वो देखते हैं हम। उसमें हमारे नियर अबाउट 9 टाइप्स आते हैं, कैसे आते हैं देखते हैं। पहला आता है सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, ये हो गया हमारे 3 टाइप। दूसरे 3 हैं सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। ये हम क्या देख रहे हैं, आपको समझ रहा है कि ये 3 फेजेस है और इसमें डिजॉल्व हो रहे हैं, ये 3 फेजेस इसमें डिजॉल्व हो रही है, ये 3 फेजेस इसमें डिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, ये हो गया हमारे 6। अब सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, ऐसे हमारे टोटल कितने हो गए, 3, 3 और 3, यानी टोटल 9 टाइप्स है हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं एक एक टाइप के एग्जांपल क्या होते हैं। अगर सबसे पहले हमने देखा कि गैस इन लिक्विड, तो उसमें हमारा सॉलिड रहेगा गैस और सॉल्वेंट रहेगा सॉलिड, ठीक है। अब कई बार हम जैसे गैसेस होते हैं हाइड्रोजन वगैरह, उसको हम एडजॉर्प्शन करते हैं एक आध मेटल के ऊपर, तो अगर एक आध मेटल लिया उसके ऊपर हमने गैस स्प्रे कर दिया तो वो हो गया हमारा गैस इन सॉलिड, ठीक है, गैस सॉलिड के ऊपर सैचुरेट होना, वो हो गया हमारा गैस इन सॉलिड, ठीक है। दूसरा हमारा एग्जांपल लिखते हैं लिक्विड इन सॉलिड। अब लिक्विड इन सॉलिड यानी क्या, तो हमारा उसमें का सॉलिड कौन हो गया, लिक्विड, और सॉल्वेंट हो गया सॉलिड। तो जैसे लिक्विड में कौन सा मेटल ले सकते हैं, मर्क्यूरी, और काय के ऊपर वो हो रहा है मिक्स, किसके साथ हो रहा है, जिंक या फिर गोल्ड, तो मर्क्यूरी और गोल्ड, ये एग्जांपल हो गया हमारा लिक्विड इन सॉलिड। अगर हम देखते हैं सॉलिड इन सॉलिड, तो सॉलिड इन सॉलिड कैसे, अगर 2 मेटल ले ले हम कोई भी, जैसे हम जिंक और कॉपर लेते हैं जिसका ब्रास बनता है, तो अलॉय जो हम बनाते हैं उसके लिए हम अगर देखते हैं तो वो हो गया हमारा सॉलिड इन सॉलिड, दोनों भी मेटल है और दोनों भी डिजॉल्व हो रहे हैं, यानी दोनों भी फेजेस में एक अलॉय फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो हमारा हो गया एक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, ये हमारे 3 हो गए, अब नेक्स्ट 3 देखते हैं, गैस इन लिक्विड। अब गैस जैसे CO2 वगैरह हम जो हम पेप्सी वगैरह पीते हैं उसके अंदर CO2 होता है, आपको पता होगा, तो पेप्सी कोका कोला जो भी ड्रिंक्स है उसके अंदर CO2 गैस होता है, तो वो गैस इन लिक्विड यानी कि वाटर में उसको डिजॉल्व करना, वो हो गया हमारा गैस इन लिक्विड का एग्जांपल। दूसरा हम देखते हैं लिक्विड इन लिक्विड। अब इथेनॉल ले लिया, उसको मिक्स कर दिए वाटर में, इथेनॉल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो लिक्विड इन लिक्विड ये हो गया एक सॉल्यूशन हमारा, ठीक है, वो एक टाइप हो गया। सॉलिड इन लिक्विड, अब शुगर इन वाटर, अब गर्मी के सीजन में हम शरबत वरबत बनाते हैं तो शुगर डालते हैं पानी के अंदर, तो शुगर इन लिक्विड यानी कि वाटर, तो वो हो गया हमारा एक टाइप। नेक्स्ट देखते हैं गैस इन गैस। अब कोई भी 2 गैसेस ले लो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, वो अगर मिक्स करते हैं तो वो हो गया हमारा गैस इन गैस। लिक्विड इन गैस, अगर हम लिक्विड लेते हैं कोई भी,
जैसे क्लोरोफॉर्म ले लिए और उसको मिक्स कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस के साथ, तो क्लोरोफॉर्म हो गया हमारा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैस हो गई हमारे नाइट्रोजन गैस, तो ये दोनों भी मिक्स होते हैं, तो वो हो गया हमारा एग्जांपल लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, कैम्फर हम देखते हैं, तो कैम्फर होता है हमारा सॉलिड और उसको हम मिक्स करते हैं गैस में, गैस में यानी एयर में, अपने आप सब्लिमेशन हो जाता है, अपने आप वेपर्स तैयार हो जाती है और वो एयर में मिक्स हो जाता है, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल सॉलिड इन गैस। आई होप दोस्तों कि आपको ये टाइप्स समझ गए होंगे, आज के लिए हम सिर्फ टाइप्स ही देखेंगे, अगले वीडियो में हम आगे की चीज़ें देखने वाले हैं। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये पोर्शन आप किसी भी बुक से एक बार पढ़ ले तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँच सके।